आज का जो क्लास है वो बिजनेस लॉ के बारे में है, यानी बिजनेस लॉ में हम कुछ टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखें इससे क्या मुराद है। फर्स्ट वन है चाइल्ड, तो चाइल्ड से क्या मुराद है। ए वर्कर हैविंग एज ऑफ लेस देन 15 ईयर्स इज कॉल्ड चाइल्ड, यानी वो वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसका उम्र यानी 15 साल से कम हो, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या है, ये चाइल्ड है। यानी 15 साल के से कम उम्र के बंदे के लिए, बच्चे के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि यह है ये चाइल्ड है, चाइल्ड। एक है, सेकंड वन है एडल्सेंट के। एडल्सेंट क्या मुराद है। ए वर्कर हैविंग एज ऑफ मोर देन 15 ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर इज कॉल्ड एडल्सेंट, यानी वो बंदा जो 15 साल से ऊपर हो लेकिन 17 साल से कम हो, तो इस वर्कर को, इस लेबर को कहते हैं एडल्सेंट। 17 साल से कम है और 15 से किया है ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं एडल्सेंट। फिर कहता है एडल्ट के, एडल्ट से क्या मुराद है। ए वर्कर हैविंग द एज ऑफ मोर देन 17 ईयर्स, वो वर्कर जो 17 साल से जिसकी उम्र किया हो ज़्यादा हो, तो ये वर्कर किया है, ये हम कंसिडर करते हैं ये एडल्ट है, एडल्ट। ये वर्कर की यानी जो लेबर की ये टाइप है। फिर है, हम इस्तेमाल करते हैं डे, तो डे से क्या मुराद है। ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिड नाइट, यानी पीरियड ऑफ 24 आवर्स यानी 24 घंटे को, जिसमें दिन और रात दोनों आते हैं, इसको कहते हैं यानी डे। हम एक डे कंसिडर करते हैं, सिर्फ दिन से मुराद नहीं है, यानी 24 घंटे को हम एक दिन कंसिडर करते हैं। फिर कहता है वीक, ए पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिड नाइट ऑन सैटरडे, यानी 7 डेज बिगिनिंग एट मिड नाइट यानी 7 दिनों को, जिसमें 7 दिन और 7 रातें ये सारे आते हैं, तो इसको कहते हैं वीक। ये हम बिजनेस लॉ में यानी कुछ टेक्निकल टर्म है ये हम इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा टर्म है यानी गो स्लो, इससे क्या मतलब है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखें गो स्लो मीन्स, इसका मतलब यह है डिलिबरेटली यानी इंटेंसली अपनी मर्जी के साथ, कसदन स्लोइंग डाउन एनी वर्क, अपनी मर्जी के साथ कसदन किसी काम को यानी स्लो करना, आहिस्ता करना। स्लोइंग डाउन एनी वर्क इन ए फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में किसी काम को यानी आहिस्ता आहिस्ता करना, डिलिबरेटली अपनी मर्जी के साथ कसदन किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करना, स्लो करना। आर स्लोइंग डाउन आउटपुट और प्रोडक्शन प्रोसेस, या आउटपुट जो बनाने का अमल हो, प्रोडक्शन का अमल हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, कोई भी काम हो, वो अपनी मर्जी के साथ कसदन विलिंगली वो आहिस्ता आहिस्ता करना। बाई ए बॉडी ऑफ वर्कर, जो वर्कर होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, वो काम दिल से नहीं करते, वो स्लो स्लो करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। एंड नॉट ड्यू टू एनी शॉर्टेज ऑफ मटीरियल, लेबर, पावर और ब्रेक डाउन इन मशीनरी, यानी ये जो वो काम करते हैं स्लो स्लो, ये क्यों करते हैं, ना हमारे पास मटीरियल काम है, ना लेबर काम है, ना पावर काम है, बिजली में मसला है, ना मशीनरी में तोड़ फोड़ है, बल्कि वो क्या करते हैं डिलिबरेटली कसदन इंटेंशनली वो काम स्लो करते हैं, यानी टाइम ज़ाया करते हैं, या ओनर के साथ, एम्प्लायर के साथ यानी वर्कर का कोई मसला है तो वो दिल के साथ वो काम नहीं करते, वो कम चोरी करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्लो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, तो अब यानी अपनी मर्जी के साथ जब वर्कर मशवरा करते हैं और वो काम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, स्लो करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गो स्लो।